हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट. माय सेल्फ रुचिका, और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आइज की क्विज, जो कि हमारी सितंबर मंथ की चल रही है. एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आप लोग की सुबह एकदम हैप्पी हैप्पी होनी चाहिए. और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चल पाए कि आपको और कितना मेहनत करना है कि नहीं. तो आप खुद को भी टेस्ट करते रहिए, डेली टेस्ट करते रहिएगा, तो ये आपके लिए और आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो उस समय बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग को मैप्स एंड प्लेसेस देखनी है, तो इसमें शायद दो तीन चार क्वेश्चंस है, और उसके बाद मिसलेनियस भी देखेंगे. तो मिसलेनियस में बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो इसमें हम लोग जो है ना कुछ ही क्वेश्चंस आज देखेंगे, कुछ हम लोग कल देख लेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन. साथ ही अगर आप लोग को प्रीवियस लेसन देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से सारी टॉपिक्स देख सकते हो. ओके, तो आज कुछ क्वेश्चन हम लोग मैप्स एंड प्लेसेस से देख लेते हैं. तो जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगी, मेरे आंसर देने से पहले आप लोग ट्राई कर लीजिएगा खुद ही देने का, और जितनी भी टोटल मार्क्स आती है उसको मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओकजुकुल ग्लेशियर है, तो ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो आपको लोकेशन बतानी है. बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस तरीके के क्वेश्चन पूछी जाती है, तो आपको बतानी है कहाँ है ग्रीनलैंड, सॉरी कैनेडा, ग्रीनलैंड, अंटार्क्टिका या फिर आइसलैंड. तो इसके करेक्ट आंसर है डी, इट मीन्स कि आइसलैंड. तो ओकजुकुल जो ग्लेशियर है, यहाँ पे फर्स्ट आइसलैंड लैंडिक ग्लेशियर बन चुकी है, जो कि लॉस्ट हो गई है क्लाइमेट चेंज के कारण. यानी कि ये एक ऐसी ग्लेशियर थी जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण इतना ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ चुका है, और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो हमारे एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन से वो भी बढ़ गई है, और हीट इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुका है, गर्मी इतना ज़्यादा हो चुकी है कि हमारी ग्लेशियर पूरी तरीके से पिघल के ख़त्म हो गई. तो इसलिए इस तरीके के ग्लेशियर का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा, और क्लाइमेट चेंज आपको पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है आपका कोशी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट. तो कोशी मेची हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो देखते हैं कि इसमें से कौन सी करेक्ट आंसर है, सॉरी यहाँ पे इनकरेक्ट आपको बतानी है. ओके, तो फर्स्ट है कि कोशी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो थर्ड मेजर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है हमारे कंट्री में, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अप्रूव कर दी है. सेकेंड है कि कोशी जो है एक इंटरनेशनल रिवर है जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, और ये आपकी प्लेन्स ऑफ नॉर्थ बिहार में ये आपकी फ़्लो होती है. थर्ड है कि जो मेची रिवर है ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है. तो आपको बताने कि इसमें से इनकरेक्ट कौन है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड और सेकंड एंड थर्ड. तो चलिए देखते हैं कि इसकी करेक्ट आंसर कौन सी है. तो ऑब्वियस इसकी करेक्ट आंसर है सी, इट मीन्स कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. ओके, तो अब डिटेल देख लेते हैं. यूनियन गवर्नमेंट अभी अप्रूव की है कि 4,900 करोड़ की कोशी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो कि कोशी और मेची रिवर जो कि बिहार में है उसको यहाँ पर जोड़ा जाएगा. ये आपकी सेकेंड मेजर रिवर है, फर्स्ट ये थर्ड नहीं है, सेकेंड मेजर रिवर है जो कि हमारे कंट्री में अप्रूव किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. और ये आपका किसके बाद किया गया, तो केन बेतवा प्रोजेक्ट जो हमारे मध्य प्रदेश में है उसके बाद इस तरीके की इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को यहाँ पर आपका अप्रूव किया गया है. तो यहाँ पे जो आपकी रिवर कोशी है ये एक इंटरनेशनल रिवर है जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, और नेपाल के थ्रू ये हिमालयन माउंटेन में और फिर लोअर पोर्शन में आती है जो कि नॉर्थ बिहार में है. रिवर मेची की बात करें तो ये हमारी महानंदा की ट्रिब्यूटरी है, ना कि महानदी की. ओके, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर याद रखनी है. आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पे आपको बतानी है कि ये जो आपकी डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, यानी कि यहाँ पे थ्री स्टेटमेंट है, तो थ्री स्टेटमेंट से मिक के बेसिस पे यहाँ पे कौन सी पार्क के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट है यहाँ पे कि ये आपकी लोकेटेड है नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर में. सेकंड है कि ये हमारी ओनली स्ट्रॉन्ग होल्ड है राइनोसोर्स की, जो कि आपकी नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर में देखने को मिलेगी. इसको हम लोग मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं. आप लोग फर्स्ट टू स्टेटमेंट जानो या ना जानो, लेकिन मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क से मुझे लगता है कि आप लोग पकड़ लोगे कि कौन सी यहाँ पे पार्क के बारे में बात की जा रही है. मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क या फिर दिब्रू सिखोबा नेशनल पार्क. तो ऑब्वियस इसकी करेक्ट आंसर है सी, इट मीन्स कि ओरांग नेशनल पार्क. ओरांग नेशनल पार्क आपकी नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर के पास यही लोकेटेड है, जो कि आपका आसाम डिस्ट्रिक्ट में आती है. साथ ही ये जो पार्क है इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लोरा एंड फौना आपको देखने को मिलेंगे. ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरस भी है, पिग्मी हॉग भी है, एलिफेंट है, वाइल्ड बफेलो एंड टाइगर्स भी है. ये सिर्फ एकमात्र स्ट्रॉन्ग होल्ड है हमारे राइनोसेरस का, जो कि यहाँ पे नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर में देखने को मिलेगा. ओरांग नेशनल पार्क की बात करें तो इसको पॉपुलरली हम लोग मिनी काजीरंगा कहते हैं. इसके पीछे एक ही रीज़न है कि जो पार्क है उसका सेम तरीका है जैसे कि क्लाइमेट एंड इकोलॉजी, तो ये आपकी काजीरंगा और ओरांग नेशनल पार्क की एक ही जैसी क्लाइमेट और इकोलॉजी है. ओके, अब आइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मित्र क्रेटर. तो मित्र क्रेटर ऑलरेडी न्यूज़ में थी, तो ये बतानी है कि आपको किसकी ये है, यानी कि किस में ये प्रेजेंट है, जुपिटर, मार्स, टाइटन या फिर नन ऑफ द अबव.
तो इसकी करेक्ट आंसर है डी, इट मीन्स कि नन ऑफ द अबव। इट मीन्स कि चंद्रयान टू की जो ऑर्बिटर है और मदर स्पेस क्राफ्ट है उसमें आपको जीरो देखने को मिला होगा क्रैटर यानी कि मून में। तो इसको हम लोग 20th सेंचुरी के बाद इसको रखे थे जो कि रेडियो फिजिसिस्ट शिशिर कुमार मित्र के नाम पर। तो मित्र क्रैटर जो है ना ये आपके दूसरे क्रैटर के एज में है, ना कि यहाँ पे किसी भी आपको प्लानट में देखने को मिलेगा। तो दूसरे क्रैटर है उसके एज में ये पाया जाता है, तो इसको हम लोग ये कहते हैं मित्र क्रैटर। ओके, और ये एक फिजिस्ट के ऊपर है तो इसलिए इनका नाम यहाँ पे शिशिर कुमार मित्र के नाम पे इसका रखा गया, तो ये मित्र क्रैटर है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट जो कि आपको बतानी है कि यहाँ पे गुंडला ब्रह्मेश्वरम सेंचुरी से रिलेटेड है, तो इसमें से दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है। गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये हमारी नालामाला फॉरेस्ट जो कुंडल डिस्ट्रिक्ट में है उसमें लोकेटेड है। सेकेंड है कि जो टाइगर पॉपुलेशन है वो यहाँ पे मैसिव डिक्लाइन देखने को मिल रहा है क्योंकि रेड सैंडर्स स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसमें से आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, बोथ या फिर डन। तो आइए करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ए ओनली, यानी कि 23 टाइगर्स जो है अभी यहाँ पे काउंट किया गया है गुंडला ब्रह्मेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि नालामाला फॉरेस्ट में ये आपका कुंडल में ये आपका प्रेजेंट है। इसमें से आप देखोगे कि 23 और 17 आर फीमेल्स, यानी कि 22,317 जो है ये फीमेल है, 5 जो है मेल है और एक कब है। जो बिग कैट नंबर्स है वो यहाँ पे दिख रहा है कि इंक्रीज़ हो रही है लास्ट 15 इयर्स में और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल भी और थोड़ा इंक्रीज़ होगी। ओके, तो इसलिए यहाँ पे आपका यहाँ पे कहा जा रहा है कि टाइगर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, नो, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस से भी देख लेते हैं क्योंकि मिसलेनियस में आपको अराउंड 15 क्वेश्चन है, तो 10 हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, 5 हम लोग आज ही डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको बतानी है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 3 स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट है कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है सिल्क का, वो भी वर्ल्ड में। सेकंड है कि इंडिया सिर्फ और मात्र ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जहां पे 5 वैरायटी ऑफ सिल्क जो है कमर्शियल स्केल में वो आपका प्रोड्यूस किया जाता है। थर्ड है कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है वो इनिशिएट करती है सिल्क समग्र प्रोग्राम जिसमें कि जितने भी डाउन ट्रोडन पुअर और बैकवर्ड ट्राइबल फैमिलीज़ हैं उनको इम्पावर किया जाएगा, वो भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो कि हमारे कंट्री में सेरीकल्चर से चलाई जाती है। तो इसमें आपको बतानी है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड ओनली या फिर सेकेंड एंड थर्ड। तो आइए करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑब्वियसली कि करेक्ट आंसर सिर्फ डी है क्योंकि यहाँ पे आपकी सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट की करेक्ट है, फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि इंडिया सेकेंड नंबर पे आती है, फर्स्ट नंबर पे चाइना आती है। चाइना यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क के और ये लार्जेस्ट कंज्यूमर है सिल्क की वर्ल्ड में भी। ओके, हम लोग लार्जेस्ट कंज्यूमर है लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारी चाइना है। ओके, तो ये हमारी जो कंट्री है सिर्फ और मात्र ऐसी कंट्री जहाँ पे आपको सिल्क की 5 वेराइटी देखने को मिलती है, मलबरी, ओक टसर या फिर ट्रॉपिकल टसर, मूगा और एरी। यहाँ पे आप देखो कि ग्लोबल मोनोपोली है इस तरीके के प्रोडक्शंस करने का मुगा सिल्क का। ओके, तो हमारे कंट्री में मुगा सिल्क बहुत ही अच्छी और बहुत ही खास मिलती है। अब सिल्क समग्र के बारे में देख लेते हैं, ये हमारे सेंट्रल सिल्क बोर्ड के द्वारा इनिशिएट किया गया। ये स्कीम में आपको 4 कंपोनेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहला है कि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, ट्रेनिंग होगी या फिर टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव भी होगी। सेकेंड है कि सीड ऑर्गेनाइजेशन होंगे। थर्ड है कि कोऑर्डिनेशन एंड मार्केट डेवलपमेंट होगी। फोर्थ है कि क्वालिटी सर्टिफिकेशन यहाँ पे सिस्टम होंगे और साथ ही साथ ये 4 ऐसी यहाँ पे कंपोनेंट है जो कि इस स्कीम के अंदर रखा गया है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का वो ये है कि जितने भी ब्रीडर स्टॉक है उसको मेंटेन करना है, ब्रीड की इंप्रूवमेंट करनी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू, साथ ही यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन करना है सेरी कल्चर इन्फॉर्मेशन लिंकेज एंड नॉलेज सिस्टम पोर्टल के थ्रू जिसको सिल्क पोर्टल भी कहा जा रहा है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है सिल्क समग्र स्कीम का वो ये है कि यहाँ पर डाउन ट्रोडन पुअर और जितने भी बैकवर्ड ट्राइबल फैमिलीज़ हैं उनको यहाँ पर इम्पावर करनी है। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मिजल्स के बारे में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको इनकरेक्ट बतानी है। मिजल जो है हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल डिजीज़ है। सेकंड है कि ये आपकी इंपॉर्टेंट कॉज है हमारे हेल्थ में और वो भी बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 10 WHO की साउथ ईस्ट एशिया रीजन मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि प्लान करी है कि 2030 तक मिजल्स को यहाँ पर हटा देगी इंडिया के साथ साथ। तो इसमें आपको इनकरेक्ट बतानी है, तो फर्स्ट एंसर थर्ड, सेकेंड ऑनली, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट ऑनली, तो इसमें से गलत कौन सी है। तो आइए करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ए, इट मीन्स कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, इनकरेक्ट है। मिजल्स जो है हमारी बैक्टीरिया नहीं, ये वायरल डिजीज़ है और इसके ये आप देखते हो कि यंग चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया के साथ साथ WHO की जो यहाँ पे आपकी बात है कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन में किए चाहते हैं कि एलिमिनेट करना मिजल्स को, लेकिन ये 2020 तक मिजल्स को एलिमिनेट करना है ना कि यहाँ पे 2030 तक। ओके, तो इसलिए ये आपका इनकरेक्ट हो गया और यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज़ कहा जा रहा है लेकिन मिजल्स जो है ये वायरस से होती है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको करेक्ट बतानी है।
इन इंडिया राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है साल्ट के, उसके बाद आपको गुजरात देखने को मिलेंगे। सेकंड है कि राजस्थान और गुजरात दोनों यहाँ पे मोर देन 80% ऑफ साल्ट प्रोडक्शन करते हैं हमारे कंट्री में। थर्ड है कि इंडिया जो है ये फोर्टिफाई कर रही है, फोर्टिफिकेशंस करती है साल्ट का, वो भी आयोडीन यहाँ पे मैंडेटरी है ह्यूमन कंजप्शंस में। तो इसमें से करेक्ट बतानी है, थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके तो आइए, अगर आप लोग एक भी एलिमिनेट कर देते हैं तो आंसर तक ज़रूर पहुंच जाएंगे, और इसका करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि फर्स्ट ही स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। राजस्थान सेकंड है, गुजरात फर्स्ट है। ओके इसको आपका रिवर्स कर दिया गया था। तो गुजरात यहाँ पे 71% जो साल्ट है उसको प्रोड्यूस करती है, इसके बाद राजस्थान में आप देखोगे 17%, उसके बाद थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु। तो रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है 1% ही साल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। इंडिया यहाँ पे फोर्टिफिकेशन कर रही है साल्ट का, वो भी आयोडीन मैंडेटरी है, क्योंकि आयोडीन हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक रिलैक्स किया गया था 2000 में, उसके बाद फिर री इम्पोज कर दिया गया था 2005 में। 2011 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे मैंडेट कर दिए थे कि यूनिवर्सल आयोडाइजेशन होना चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग आयोडीन की जो डिफिशियंसी होती है, आयोडीन की जो कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, उसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है यहाँ पे कैना फॉरेस्ट डिजीज़। तो KFD भी न्यूज़ में थी, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किया है साइंस एंड टेक वाले रीजन में। तो करेक्ट आंसर आपको बतानी है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये आपकी टिक बॉर्न वायरल हेमोरफेपिक हेजिक फीवर एंडेमिक है ये हमारी साउथ इंडिया में। सेकंड है कि वायरस जो कि KFDV से रिलेटेड है वो आइडेंटिफाई किया गया है चाइना और सऊदी अरेबिया में। थर्ड है कि ये वाइड स्प्रेड पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन है ये इस डिज़ीज़ का। फोर्थ है कि जो KFD के लिए जो वैक्सीन है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो इसमें से बतानी है कि कौन सी करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड, सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। तो आपको एक एलिमिनेट करना है और आप अपने आंसर में आ जाएंगे, जो कि है आपकी ए। ओके यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और दोनों यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो KFD की बात करें तो ये थिक बॉर्न वायरल हेमोरहेजिक आपकी फीवर है, जो कि एंडेमिक होती है साउथ इंडिया में, और ये जो डिज़ीज़ होती है वायरस के थ्रू होती है, और फैमिली, इसकी जो फैमिली होती है वो फैमिली फ्लेवोराइडे होती है, जिसमें कि येलो फीवर या फिर डेंगू फीवर भी होती है। वायरस जो भी है इस तरीके की, जो आपका क्यासा नूर फॉरेस्ट डिजीज़ से रिलेटेड है, वो यहाँ पे चाइना और सऊदी अरेबिया में भी आइडेंटिफाई किया गया। ट्रांसमिशन अगर देखें ह्यूमन में, तो ये आपका जो है टिक बाइट से भी होता है, या फिर कांटेक्ट में आने से कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल के, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर सिक है या फिर रिसेंटली कोई डेड मंकी है तो उससे भी होता है। नो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन है इसमें, पर्सन टू पर्सन नहीं होता है। एक वैक्सीन है जो कि अभी एग्जिस्ट करती है इसके लिए, और यूज़ भी होता है एंडेमिक एरिया में इंडिया में, और एडिशनल प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिया जाता है, जैसे कि इंसेक्ट रिपेलेंट है या फिर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग को वेयर करना उस एरिया में जहाँ पर टिक जो है एंडेमिक होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रिजर्वेटिव्स भी है, साथ ही वैक्सीन भी है। ओके तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन भी नहीं है और ये आपका जो है वैक्सीन अवेलेबल है। ओके तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल हम लोग लास्टली डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, इस मैगजीन की लास्ट लेसन होने वाली है कल, तो हम लोग यहाँ पे MSF से स्टार्ट करेंगे। ओके तो आज आप लोग को टोटल क्वेश्चन नंबर में से कितनी मार्क्स आए ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, अपने आप को भी जज कीजिए और मुझे भी मौका दीजिए कि मैं आप लोग को जज कर सकूँ कि आप लोग की परफॉर्मेंस डे बाई डे इंप्रूव हो रही है या फिर नहीं। ओके तो आज के लिए बस इतना ही, तो थैंक यू। चलिए और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।